नमस्कार दोस्तों, गिकी राम के इस एपिसोड में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, आप सब सोच रहे होंगे कि मैं इतने दिनों से वीडियो क्यों नहीं बना रहा हूँ। दोस्तों, मेरी तबीयत थोड़ी ठीक ना होने के कारण मैं आप सभी के लिए वीडियो नहीं बना रहा था। पर दोस्तों, आप सभी के लिए जो मैंने ऑनर 99 लाइट का गिव अवे रखा था, उसका विनर मैं जल्दी ही अनाउंस कर दूंगा। तो प्लीज़ उसके लिए आप संयम बनाए रखिए, उसका भी मैं गिव अवे अनाउंसमेंट कर दूंगा। दोस्तों, सबसे पहले आज के इस वीडियो में आपको एक अनबॉक्सिंग करने जा रहा हूँ। आज मैं इस वीडियो में आपको कैनन 77D का अनबॉक्सिंग करने जा रहा हूँ। दोस्तों, तो आप सभी जानते होंगे कि मैंने कैनन 200D परचेस किया था, पर दोस्तों मैंने कैनन 200D को रिप्लेस करके दुकानदार को वापस से मैंने कैनन 77D परचेस किया। दोस्तों, उसके पीछे कारण क्या है दोस्तों, उसका मैं आपको लास्ट में बताऊंगा कारण क्या है। तो आप जरूर देखिएगा इस अनबॉक्सिंग वीडियो को, तो आपको पता चल जाएगा कि मैंने कैनन 200D को छोड़कर कैनन 77D क्यों परचेस किया है। दोस्तों, सबसे पहले आज इसका अनबॉक्सिंग देखते हैं। तो आप सब भी देख रहे हैं दोस्तों, इसको मैंने प्रेम इलेक्ट्रॉनिक से परचेस किया है। अगर आपको कोई भी कैमरे के रिलेटेड परचेस करना है दोस्तों, आप प्रेम इलेक्ट्रॉनिक में से परचेस कर सकते हो। इसमें आपको सभी टाइप्स के कैमरे मिल जाएंगे, जो भी आपको चाहिए उस टाइप का कैमरा आपको इसके अंदर मिल जाएगा। जैसे कैनन, सोनी, निकॉन, सभी के आपको कैमरे इसके अंदर मिल जाएंगे और बहुत ही वाजिब दाम में मिल जाते हैं। तो सबसे पहले दोस्तों, इसको बैक को साइड पर करते हो और आपको दिखाते हैं कैनन 77D। तो सर, आप सभी आप डिस्प्ले के सामने देख रहे हैं, जो कैनन 77D मैंने परचेस किया है दोस्तों, वो 1855mm लेंस के साथ में परचेस किया है। तो आप सभी देख सकते हैं दोस्तों, इसका स्पेसिफिकेशन भी इसमें मेंशन किया गया है और इसमें आपको 16GB मेमोरी कार्ड साइड में मिलता है। तो आप सब इसका स्पेसिफिकेशन देख सकते हैं दोस्तों, 24.2 मेगापिक्सल के सीमोस सेंसर के साथ में आता है। व्यू फाइंडर की 95% व्यू फाइंडर सेंसिटिविटी इसके अंदर मिलती है। तो दोस्तों, सबसे खास करनी है कि ड्यूल पिक्सल ऑटो फोकस टेक्नोलॉजी के साथ में आता है। अब इसका फोकसिंग स्पीड दोस्तों, आप 0.03 ऑटो फोकसिंग सिस्टम है दोस्तों, सबसे फास्टेस्ट वर्ल्ड का सबसे फास्टेस्ट ऑटो फोकसिंग सिस्टम कैनन 77D में मिल जाएगा। और इसका लॉन्चिंग डेट बोलो तो दोस्तों, ये 2017 के अंदर लॉन्च हुआ था और इसके अंदर आपको मूवी यूएस मूवी फुल एचडी में रिकॉर्ड कर सकते हो और वाईफाई प्लस एनएफसी का भी ऑप्शन मिल जाता है। और इसके अंदर आपको कैनन कैमरा कनेक्ट के लिए आप वाईफाई से फोटो शेयर करना चाहते हो तो आप कर सकते हो। इसके अंदर आपको 2 साल का वारंटी मिलेगा, अगर आपको 1 साल का तो वारंटी मिलता है, अगर आपको दूसरे साल का वारंटी इसमें रजिस्टर करने के बाद ही आपको मिलता है। जैसे आपको कैनन एच की साइट पर जाकर इस प्रोडक्ट को रजिस्टर करना होता है, तभी जाके आप इसको वारंटी कंसिडर कर सकते हो। तो सबसे पहले दोस्तों, मैंने इसका अनबॉक्सिंग तो पहले ही कर चुका हूँ, मेरी तबीयत खराब थी दोस्तों इसके कारण, क्योंकि अगले गुरुवार को ही मैंने परचेस किया था, जो लास्ट थर्सडे को मैंने परचेस किया था दोस्तों। तो इसका अनबॉक्सिंग तो मैंने पहले ही कर दिया है, पर आप सभी को बताना चाहता था दोस्तों, मैंने कैनन 200D को वापस करके क्या कैनन 77D को परचेस किया है। सबसे बड़ा मेरा मेन कारण यही है कि दोस्तों, इसके अंदर आपको 45 क्रॉस आउट ऑफ फोकस पॉइंट मिलते हैं दोस्तों, जबकि कैनन 200D में आपको 11 पॉइंट या 9 पॉइंट आउट ऑफ फोकस मिलते थे। सबसे बड़ा यही कारण था दोस्तों, इसलिए मैंने इसको परचेस किया है। और एक कैमरे को अगर परचेस करना है दोस्तों, तो आप कर सकते हो, मैं कोई आपको लिंक नहीं दूंगा। सबसे अच्छा है कैमरा दोस्तों, अगर आपका यूट्यूब चैनल है, अगर आपको कैमरा परचेस करना है तो आप कैनन 77D को परचेस कर सकते हो। इसका मैंने पूरा सेटअप करके रखा हुआ है दोस्तों, उस बैग के अंदर कैमरा रखा हुआ है, तो आप सब देख सकते हो दोस्तों, इसके बैग के अंदर मैंने पूरा सेटअप करके 18-55 का लेंस लगा के मैंने इसको अंदर आपको रखा हुआ है। तो इसका बाद में मैं आपको पूरा डेमो दूंगा और इसका रिव्यू भी मैं आपको इस बताऊंगा कि इसका जो वीडियो क्वालिटी कैसा है, वो किस तरह का वीडियो मिलता है। और लास्ट में आपको बताऊंगा दोस्तों कि आपको कैनन 200D क्यों परचेस नहीं करना चाहिए, अगर आपका एक नया यूट्यूब चैनल है तो आपको क्यों 77D के लिए जाना चाहिए। तो सबसे पहले दोस्तों, इसको ओपन करते हैं और देखते हैं जो चीज़ें हैं उसके अंदर, मैं आपको बताता हूँ। सबसे पहली चीज़ दोस्तों, ये आपको कैनन का कॉम्प्लीमेंट्री फोटोग्राफी ट्रेनिंग डिटेल्स का एक बुकलेट मिलता है, तो इसको साइड पर रखते हैं। इसमें आपको पूरा यूजर मैनुअल मिलता है, सभी फंक्शन इसके अंदर आपको मेंशन किए गए हैं, जो भी कैनन 77D में आपको मिलते हैं वो सभी आपको इसके अंदर मेंशन किए गए हैं। अब दोस्तों, इसके अंदर आप खोलते हैं तो देखते हैं क्या क्या मिलता है। तो इसके अंदर आपको चार्जर मिलता है, चार्जर से आप चार्ज करके बैटरी को चार्ज कर सकते हो। और इसके साथ में आपको एक लेंस मिला था मुझे, जो 18-55mm का ISSTM लेंस था, उसको मैंने पूरा सेटअप बॉडी के अंदर कर दिया है। और दोस्तों, बॉडी भी सेपरेट मिली थी, उसके साथ में मैंने दोस्तों एक यूवी फिल्टर भी लगा दिया है। अगर आप कोई भी कैमरा परचेस करते हो दोस्तों, तो यूवी फिल्टर लगाना मत भूलिएगा। यूवी फिल्टर के कारण आपकी अल्ट्रा वायलेट किरणें दोस्तों उसको रिड्यूस करता है और आपको अच्छी फोटोग्राफी देता है। ये यूवी फिल्टर मुझे लगभग मैं 550 रुपये में पड़ा है। तो आप सब देख रहे हैं दोस्तों, आपको डिस्प्ले के सामने मैंने इसके अंदर यूवी फिल्टर भी लगा दिया है। और इसके साथ में आपको पावर एडाप्टर मिलता है दोस्तों। इसके अंदर आपको ध्यान रखिएगा दोस्तों कि डेटा केबल नहीं मिलेगा। डेटा केबल मिलने का सबसे बड़ा कारण यही है कि दोस्तों, इसके अंदर आपको वाईफाई प्लस एनएफसी का ऑप्शन मिल जाता है। तो ये सब चीज़ें आपको मिलती है साथ में। और ये आपको एक कैमरे का बॉडी का भी सब मिलता है दोस्तों, पर पूरा पहले से ही पूरा सेटअप कर दिया है, तो मैं आपको दिखाऊंगा कि
किस तरह का कैमरा है। ये दोस्तों 24.2 मेगापिक्सल के सीमो सेंसर के साथ में आता है, जिसमें आपको 6 फ्रेम पर सेकंड की स्पीड मिलती है और 45 पॉइंट क्रॉस ऑटो फोकस मिलते हैं दोस्तों। 45 पॉइंट ऑटो फोकस के कारण दोस्तों जो आप फोटोग्राफी या वीडियोग्राफी करते हो तो आपको पिक्चर की जो डिटेलिंग है दोस्तों वो शार्प एंड क्लियर मिलेगी, जो कैनन के 200D में नहीं मिलती थी। जबकि कैनन का 200D भी आपको डिजिक 7 प्रोसेसर के साथ में आता है, ये भी आपको डिजिक 7 प्रोसेसर के साथ में आता है, पर इसका 45 पॉइंट क्रॉस ऑटो फोकस होने के कारण दोस्तों इसका जो पिक्चर का क्वालिटी है दोस्तों आपको और फास्ट मिलता है, और इसका जो फोकसिंग स्पीड है दोस्तों 0.03 सेकंड में ये फोकस कर लेता है। तो इन सब चीजों को साइड पे रखते हैं और दोस्तों जो मैंने कैमरा परचेस किया है उसका पूरा मैं आपको रिव्यू देता हूँ। तो सबसे पहले दोस्तों इसके साथ में आपको ये बैक प्रीमियम मिली है जो कैनन ईओएस लिखा हुआ है दोस्तों इसके साथ में। अब मैं दोस्तों कैनन 77D और कैनन 80D का कंपैरिजन करूं तो कैनन 77D से अच्छा कैनन 80D है, पर दोस्तों उतना बजट होने के ना कारण मैंने उस कैमरा को परचेस नहीं किया है, मैंने कैनन 77D को परचेस किया है। तो इसका रिव्यू भी मैं आपको बताऊंगा किस तरह का ये कैमरा है। तो सबसे पहले मेरा ओपन कर लेता हूँ और आपको दिखाता हूँ कि दोस्तों मैंने पूरा सेटअप करके इसके अंदर रखा हुआ है। तो सबसे पहले आप देख लीजिए ये कैमरा है, इसको ओपन करते हैं आप सभी के सामने, तो आप सभी देख सकते हैं दोस्तों किस तरह का कैमरा है ये। तो आप सभी को मैंने देख लिया दोस्तों ये बैक पूरा मिलता है, तो किस तरह का कैमरा है मैं आप सभी को बताने जा रहा हूँ। तो चलिए दोस्तों इसको निकाल लेते हैं कैमरे को और आपको बताता हूँ कि कैमरे की बॉडी किस तरह की मिलती है। तो सबसे पहले दोस्तों आप देख सकते हैं कैमरा का पूरा होल लुक है दोस्तों, कैनन 77D का आपको ब्रांडिंग मिलता है, तो कैमरा का पूरा 18-55 mm का लेंस मिलता है और उसके अंदर मैंने आपको एक यूवी फिल्टर लगा चुका हूँ। तो आप सब देख सकते हैं दोस्तों कैनन 77D आपके डिस्प्ले के सामने नजर आ रहा है। उसका मेन चीज यही कि दोस्तों इसके अंदर आपको ऊपर डिस्प्ले मिल जाता है, अगर आप आईओएस शटर और अपर्चर को कंट्रोल करना चाहते हो डायरेक्टली आप इधर से कर सकते हो, आपको डिस्प्ले में देखने की कोई जरूरत नहीं होगी दोस्तों। तो सबसे पहले आपके डिस्प्ले के सामने दोस्तों आप देख रहे हो कि आपको डिस्प्ले भी मिल जाता है और ऊपर जो आप शटर और आईओएस को कंट्रोल कर सकते हो। इसके अंदर आप ऑटो अपर्चर शटर एंड मैनुअल सभी स्पीड मिल जाते हैं दोस्तों। 45 क्रॉस ऑटो फोकस होने के कारण दोस्तों इसकी जो पिक्चर क्वालिटी और जो वीडियो क्वालिटी दोस्तों बहुत ही अच्छी मिलती है। तो अगर आपको इसको परचेस करना है तो आप दोस्तों लोकली कोई शॉप में से परचेस कर सकते हो, और सबसे मेन कारण दोस्तों इसके अंदर आपको ये है कि इसके अंदर आपको माइक का स्लॉट भी मिल जाता है और इसके अंदर आपको शटर कंट्रोल का भी स्लॉट मिल जाता है। अगर आपको HDMI के थ्रू इसको अपने TV के अंदर देखना है या लैपटॉप के अंदर देखना है तो दोस्तों डायरेक्टली आप देख सकते हो, और इसके अंदर आपको डेटा केबल से भी आप ट्रांसफर कर सकते हो। इसकी बॉडी की बात करो तो दोस्तों बॉडी बहुत ही हैवी है एज कम्पेयर टू कैनन 200D के। अगर आपको एक कैमरा परचेस करना है, अगर आप नए यूट्यूबर है दोस्तों, तो आप कैनन 77D को परचेस कर सकते हो। इसका लिंक मैं कभी भी नहीं दूंगा दोस्तों, आप अपने लोकल स्टोर में से परचेस कर सकते हो। तो दोस्तों मैंने आप सभी को बताया था कि कैनन 200D को मैंने वापस करके कैनन 77D को परचेस किया है। अगर आपको परचेस करना है दोस्तों इसको आप परचेस कर सकते हो। इसका फोटोग्राफी का जो भी मैंने दोस्तों शॉट लिया था दोस्तों उसको मैंने इंस्टाग्राम पे डाल दिया हुआ है। अगर आपने मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो नहीं किया है तो मैं आपको एक नीचे लिंक दे दूंगा मेरे वीडियो के अंदर, तो आप मुझे इंस्टाग्राम से भी फॉलो कर सकते हो, जिसके थ्रू मैं आपको बताऊंगा कि इसका जो पिक्चर क्वालिटी मैंने फोटो लिया है दोस्तों वो किस तरह का आता है। तो चलिए दोस्तों अब इसका रिव्यू करते हैं, इसकी वीडियोग्राफी देखते हैं तो वीडियोग्राफी में किस तरह का आपको मिलता है। और सबसे खास चीज ये कि दोस्तों ये रोटेटेबल स्क्रीन है, इसको ऑन ऑफ करना है तो आप इधर से ऑन ऑफ कर सकते हो, और वीडियोग्राफी के लिए आप डायरेक्टली पीछे जा सकते हो। अगर एक्सटर्नल फ्लैश लगाना है तो आप इसमें लगा सकते हो, अगर आप माइक को भी लगाना अटैच करना है तो दोस्तों कर सकते हैं, और इसमें NFC का भी ऑप्शन आपको दिया गया है। और इसके मेन खासियत यही है कि दोस्तों इसमें 18-55 mm का ISHDM लेंस मिल जाता है, जिससे जो फोकसिंग स्पीड होती है दोस्तों बहुत ही स्मूथ हो जाती है। तो अब इसका मैं रिव्यू करूंगा आपके सभी के लिए, तो स्टेटिन रहेगा इस वीडियो के अंदर, तो इसका रिव्यू करके भी बताऊंगा दोस्तों इसका जो पिक्चर क्वालिटी और साउंड क्वालिटी आपको कैसा मिलता है, और वीडियो क्वालिटी भी आपको मैं बताऊंगा। तो चलिए दोस्तों इसका पिक्चर क्वालिटी, साउंड क्वालिटी और वीडियो क्वालिटी देख लेते हैं। तो दोस्तों आप सब देख रहे हैं जो वीडियो शूट हो रहा है वो कैनन 77D के कैमरे से शूट हो रहा है, तो मैं 3.5 फीट की दूरी पर कैमरे से खड़ा हूँ। तो आप सभी देख रहे हैं दोस्तों थोड़ा मैं और पीछे चला जाता हूँ, ये 4 फीट की दूरी हो गई, अब मैं आगे और पास आता हूँ दोस्तों ये 3.5 फीट की दूरी हो जाती है दोस्तों। तो इसके इंटरनल माइक भी आपको दिया है, इसके अंदर मैंने कोई एक्सटर्नल माइक नहीं अटैच किया हुआ है, तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताया कि जो इसका इंटरनल माइक है दोस्तों उसका साउंड क्वालिटी कैसा है, उसकी जो मैंने पिक्चर क्वालिटी दोस्तों ऑटो मोड के अंदर मैंने रिकॉर्ड किए हुए, तो मुझे जरूर बताया कि कैनन 77D का आपको
ऑटो मोड में वीडियोग्राफी में जो शूट कर रहा हूँ दोस्तों आपको कैसा लग रहा है। इसकी फोकसिंग स्पीड की बात करूँ दोस्तों, जब भी मैं फोकस करता हूँ अपना हाथ को आगे रख के हो तो देख लो दोस्तों 0.03 सेकंड में आपको फोकस कर लेता है, तो इसकी फोकसिंग स्पीड भी बहुत ही अच्छी मिल जाती है। अगर आपको मैनुअल में कभी शूटिंग करना है दोस्तों तो इस कैमरे से आप शूट कर सकते हो, अगर आपको ऑटो पे शूट करना है तो आप ऑटो पे शूट कर सकते हो। कभी भी आपको फोटोग्राफी नहीं आती दोस्तों तो अगर फोटोग्राफी को सीखना है तो आपको 3 फंक्शन मेन सीखने पड़ेंगे, जैसे अपर्चर, शटर और आईएसओ। 3 फंक्शन आप सीख जाओगे दोस्तों तो आपको फोटोग्राफी बिल्कुल ईजी हो जाएगी। इसके अंदर आपको कई मोड दिए हुए हैं, पर दोस्तों मेन खास चीज़ ये है कि कैनन 200D परचेस ना करने की दोस्तों। जो उसका बॉडी था दोस्तों वो प्लास्टिक का बॉडी था, जबकि इसका जो बॉडी का वेट है दोस्तों बहुत ही हार्ड स्ट्रॉन्ग बॉडी का वेट दिया गया है, और जो इसका मटेरियल यूज़ किया गया है दोस्तों कैनन 200D से बहुत ही अच्छा यूज़ किया गया है, इसलिए मैंने उसको कैनन 77D परचेस किया दोस्तों। इसके साथ में सिर्फ मैंने आपको 18-55mm का लेंस परचेस किया दोस्तों, जबकि कैनन 200D के साथ मुझे 18-55 प्लस 55-50 का लेंस मिल जाता था। पर दोस्तों वीडियोग्राफी के लिए मुझे कोई क्या 55-50 का लेंस की जरूरत नहीं थी, इसलिए मैंने आपको सिंगल किट लेंस में ही परचेस किया है। तो दोस्तों मैं आप सभी को बताना चाहता हूँ, अगर आपका एक नया यूट्यूब चैनल है, अगर आप एक क्रिएटर हो, अगर आप नया यूट्यूब चैनल स्टार्ट करना चाहते हो, अगर आप कैनन 200D परचेस करना चाहते हो दोस्तों, तो आप कैनन 200D के ना जाते हुए आप कैनन 77D या कैनन 80D को परचेस कीजिए, क्योंकि बहुत ही अच्छे वैल्यू फॉर मनी बजट में आपको मिल जाते हैं। बजट भले ही आपको दोस्तों थोड़ा ज़्यादा पैसे इसके अंदर आपको देने पड़ेंगे, पर दोस्तों ये कैमरा आपको लगभग में 6 से 7 साल तक आपको चलते रहेंगे। कैनन 200D आपको दोस्तों 2 साल के अंदर ही कुछ उसकी बॉडी के अंदर उतना खास नहीं रहेगा, इसलिए मैं आपको सजेस्ट करता हूँ दोस्तों अगर आप कैनन 200D परचेस करना चाहते हो तो आप कैनन 77D या कैनन 80D के लिए जाइए। अगर आपको बजट कैनन 77D को प्रेफर करता है तो मैं दोस्तों आपको और बोलूंगा कि और थोड़ा पैसा खर्च करके आप कैनन 80D के लिए जा सकते हो। तो दोस्तों आज के इस वीडियो में आपको यही बताना चाहता था कि अगर आप नए क्रिएटर हो, नए यूट्यूबर हो, तो आपको इतना सारा पैसा खर्च करने की कोई जरूरत नहीं है, सिर्फ अपना कैमरा लेकर आप वीडियो शूट कर सकते हो। अगर आपका आपको लगता है कि आपका चैनल ग्रो कर रहा है, आपका चैनल ज़्यादा ग्रो कर रहा है, तो दोस्तों आपको ये तभी कैमरा परचेस करना चाहिए। अदरवाइज आप अपने मोबाइल के अंदर वीडियो अपने मोबाइल के कैमरे से ही वीडियो शूट कर सकते हो, या किसी भी दूसरे के वीडियो से कैमरे या कैमकॉर्डर से आप वीडियो शूट कर सकते हो। आपको इतना महंगा कैमरा लेने की कोई ज़रूरत नहीं है, क्योंकि कैमरा लेने से दोस्तों अगर आप वीडियो शूट करते हो और अगर आपका चैनल नहीं चलता है तो आप अपने कैमरे के भी पैसे कवर नहीं कर पाओगे। पर दोस्तों मैंने सोच समझ के इस कैमरे को लिया है, क्योंकि मुझे लगता है कि मेरा चैनल अच्छा चल रहा है, अच्छा ग्रो हो रहा है, इसलिए मैंने इस कैमरे को लिया है दोस्तों। तो आप सभी से रिक्वेस्ट करता हूँ दोस्तों, अगर आप एक नया यूट्यूब चैनल स्टार्ट करने जा रहे हो, अगर आपको कैमरा परचेस करना है दोस्तों, अगर आप 200D परचेस कर रहे हो दोस्तों, तो आप 200D परचेस ना करते हुए आप 77D या 80D को परचेस कीजिए, तो आपके लिए वैल्यू फॉर मनी डील रहेगा। तो दोस्तों ओनर 9 लाइट का गिवअवे का विनर दोस्तों मैंने कर लिया है सिलेक्ट, तो आप सभी को जल्दी ही वीडियो मिल जाएगा आज शाम तक में। तो आप मेरे वीडियो के लिए आज शाम तक के लिए वेट कीजिएगा, और मुझे जरूर बताइएगा दोस्तों अगर आप में से कोई विनर्स नहीं बनता है तो मैं आप सभी के लिए सेम ही रहूँगा, आप सभी मेरे लिए एक ही हो। तो मैं आप सभी को बताना चाहता हूँ दोस्तों, जो भी विनर मेरे लिए होगा दोस्तों और जो विनर नहीं होता दोस्तों, सब मेरे लिए सेम रहेंगे। मैं आप सभी को कुछ ना कुछ इन्फॉर्मेशन सही प्रोवाइड करना चाहता था, बस मेरा यही मकसद है इस यूट्यूब चैनल चालू करने का, कि आप सभी को एक अच्छी जानकारी मिले, एक सच्ची जानकारी मिले, और आप अपने ओन सेल्फ पे खड़े रह सको दोस्तों। दोस्तों बस आज के इस वीडियो में इतना ही, अगर मेरा वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा, अगर आपको लगता है कि मेरे चैनल को ग्रो होना चाहिए तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, मेरे चैनल को शेयर कीजिए। दोस्तों बस आज के इस वीडियो में इतना ही, आप मुझे जरूर बताइएगा कि इसका पिक्चर क्वालिटी आपको कैसा लगा है। तो दोस्तों आप सभी देख रहे हैं दोस्तों कि ये मैंने आपको जूम कर दिया है थोड़ा, तो आप मुझे बताइएगा कि इसका पिक्चर क्वालिटी और साउंड क्वालिटी कैसा लगा है। तो बस दोस्तों आज के इस वीडियो में इतना ही, अगर मेरा वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा। बस दोस्तों आज के इस वीडियो में इतना ही, जय हिंद, वंदे मातरम, भारत माता की जय दोस्तों।